नमस्कार मित्रों, मैं साई कृपा एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूँ माता रानी को साड़ी कैसे पहनाए, दुर्गा माँ की मूर्ति को साड़ी कैसे पहनाए। तो ये बिल्कुल सिंपल साड़ी है फ्रेंड्स, शिफॉन की, और जिसको हमने हैवी लुक दिया है। तो यहाँ पर हमने माता रानी को जो है ना बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनाई है और बहुत ही प्यारी लगेंगी, और पूरा मेकअप के साथ दिखाऊंगी। हम इसमें माता रानी का पूरा श्रृंगार भी करेंगे जो आपके सामने अभी आगे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह हमने एकदम नई साड़ी लेनी है, हमें किसी भक्त ने माता रानी को पहनाने के लिए दी है। और जब हम ये साड़ी तभी माता रानी के ऊपर से चेंज करते हैं जब हम दूसरी साड़ी पहनाते हैं, तो फिर हम उनको वापस दे देते हैं। तो अभी मैं पहले साड़ी दिखा दूं, इसमें साड़ी के अंदर ब्लाउज पीस है, इसको हम अलग कर लेंगे। तो जो प्लेन कपड़ा है, ब्लाउज पीस है, इसको हमने अलग कर लिया है। और कपड़े को हम उल्टी साइड से बिछाते हैं सबसे पहले, और फिर इसको फोल्ड करेंगे तो वो अपना आप सीधा हो जाएगा। तो उल्टा बिछाएंगे तो फिर जब फोल्ड करते हैं सीधा हो जाएगा। एक और फोल्ड लगाया, फिर एक और फोल्ड। अब हम इसको पलट लेंगे और अब रखेंगे जहां से बॉर्डर आया वहां से हम बीच में सेंटर में हाथ रखा है, और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। वी शेप देनी है फ्रेंड्स, बस कुछ नहीं करना है। मैं हर बार ब्लाउज इस तरह इसलिए दिखा रही हूं सभी वीडियोस में क्योंकि इससे साड़ी पहनाना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ हमें साड़ी टिकाने के लिए ब्लाउज चाहिए इसलिए। वैसे तो मुझे बहुत तरह के ब्लाउज आते हैं माता रानी को पहनाने। तो यहां हमने उल्टी साइड से पिन लगाया है, ध्यान रखना है साड़ी में पिन जो लगे उल्टी साइड से लगेगा, और पिन हमें बड़ा लेना है, छोटा पिन नहीं चलेगा। चलिए हम हमारी माता रानी के पास लेकर चलते हैं। तो ये हमारी देखिए सोसाइटी की माता रानी है, दुर्गा माँ है, तो इनको आज मैं ये साड़ी पहनाकर दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम ब्लाउज पहनाएंगे। तो ब्लाउज देखिए कुछ नहीं करना है, ये बनी हुई है पूरी पट्टी, बस पीछे से एक पिन लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए पिन लगाना पीछे जरूरी है। तो इससे क्या होगा ना, जब आप साड़ी पहनाएंगे तो साड़ी इधर उधर नहीं होगी। कुछ साड़ी इस तरह की होती है ना जो हाथ लगने से इधर उधर हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पिन लगा रहे हैं। अब पिन लगाने के बाद अब ये हम पूरी साड़ी लेंगे, अब हम बनाएंगे साड़ी। तो ये साड़ी है और एकदम सिंपल साड़ी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं है। पर जब हम माता रानी को पहनाएंगे तो इतना हैवी लुक आने वाला है, बहुत ही प्यारी लगेंगी। आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो ये सीधी साइड है और ये है पल्ला। पल्ला सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं उल्टी साइड से प्लेट्स बना लेते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो हमें सीधी साइड से कोना पकड़ना है और प्लेट्स बनाते जाना है। तो ये साड़ी का पल्लू हमारा तैयार हो गया है। तो इसे अच्छे से लेकिन सेट करेंगे पल्लू को। बहुत आसान है फ्रेंड्स, जैसे आप खुद साड़ी पहनते हैं वैसी है। वैसे मुझे उतनी अच्छी साड़ी खुद की नहीं पहननी आती, लेकिन मैं पता नहीं माता रानी कैसे पहना रही हूँ। मुझे लगता है वही सेवा ले रही है और कुछ नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं आती है वरना इतनी अच्छी। और ये मैं मेरी फ्रेंड्स की हेल्प से ही कर पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पल्लू हमारा रेडी हो चुका है, तो हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे, ठीक है। पिन लगा लेंगे और उल्टी साइड से लगाना है पिन, और इस तरह से ये देखिए पिन लगा चुकी हूं। अब एक पिन और लगाना है फ्रेंड्स हमें। अच्छे से सेट करने के बाद हम ये देखिए 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे लंबाई इसकी, और उसके बाद पिन लगाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं पीछे की साइड से पल्ला घूम के आता है इसलिए। तो जो घूम के आएगा तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब ये पिन दूसरा लग जाएगा ना, अब आप साड़ी को कितना ही इधर उधर कर ले हाथ से, वो कहीं नहीं जाएगी। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अभी जहां पिन है वहीं लगी रहेगी। तो आसान तरीका भी हो जाएगा इसमें, आपकी साड़ी इधर उधर भी नहीं जाएगी। अब हमने साड़ी को बिछा लिया है थोड़ा जमीन पर, और अब इस तरह करेंगे इसको फोल्ड। फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें जो है साड़ी के जो नीचे के प्लेट्स हैं वो कहाँ तक बनाने हैं। तो हमें केवल यहां तक चाहिए और बाकी हमने सीधी कर दी। देखिए अच्छे से खोल लेंगे ये डबल फोल्ड में हमने पहले से ही बिछाई हुई है साड़ी को। थोड़ा फर्श पे इसलिए लिया है फ्रेंड्स क्योंकि हमें वरना परेशानी होगी इसलिए। ये साड़ी सिंथेटिक है तो हम इसमें जो प्लेट्स लगाएंगे वो अलग टाइप से लगाएंगे। इसमें जो घूम बनाएंगे तो थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये इतना हमने छोड़ दिया है क्योंकि साइड से अंदर जाएगा। और ये हमने देखिए डबल लिया, मैं पहले ही दिखा रही हूँ आपको खोलकर। अब यहां से हाथ से बनाएंगे। ये पहले मैं एक के ऊपर एक रख के बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने फोल्ड्स भी अलग टाइप के लिए इस तरह से। ये जो आप अपनी साड़ी में इस तरह से, बहुत सारे लोग तो इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन मैंने पिछली 3 साड़ी में इस तरह से नहीं दिखाया, एक के ऊपर एक वैसे फोल्ड करके दिखाया है, लेकिन इसमें नहीं चलेगा क्योंकि साड़ी इधर उधर हो जाएगी। तो इसमें यही तरीका बेस्ट है और इसी तरह से आप बनाइएगा। अगर आपको लग रहा है आपसे अभी इतने ही बने तो इतने में पिन लगा लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे कर लीजिए। लेकिन मैं कर पा रही हूं तो मैं पूरे ही लूंगी साथ में,
बस ध्यान से करना, आराम आराम से। ये देखिए इस तरह से एक यहाँ कोने वाली उंगली से दबाते जाना है और फिर थंब से ये जो आपका अंगूठा है फिर यहां से दबाते जाना है। तो ये एक तरह से हमारे सारे प्लेट्स रेडी हो जाएंगे। नीचे जितना घेर आएगा उतना अच्छा लगेगा, और ये तभी आएगा जब आपके चुन्नट अच्छे आएंगे, ये प्लेट्स नीचे वाले अच्छे आएंगे, ज्यादा होने चाहिए ये, अगर जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा लुक आएगा। अब हम अच्छे से पहले सेट करेंगे और उसके बाद पिन लगा देंगे। साड़ी पिन का मैं यहाँ यूज करूंगी, मैं नॉर्मल सेफ्टी पिन नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें ये देखिए प्लेट्स बन चुके हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल पिन में नहीं आएंगे। तो देखिए अब मैं इसको सेट कर चुकी हूं और अब मैं लूंगी साड़ी पिन और थोड़ा नीचे से लगाएंगे। इतना छोड़ना है कि बाकी अंदर आ जाए, क्योंकि प्लेट्स जब हम माता रानी की जो है डोरी के अंदर करेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे तो साड़ी पिन दिखेगा नहीं। तो साड़ी पिन थोड़ा नीचे से लगाना है। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फैंसी लिया है मैंने यहाँ साड़ी पिन, तो वो सेट करेंगे अभी। तो ये वाला साड़ी पिन है जिसे मैं ऊपर से लगा रही हूँ, ये देखने में भी सुंदर लगेगा और बाकी पिन हमें लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितना आसान है फ्रेंड्स पिन लगाना भी, ये बहुत बड़ा साड़ी पिन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है बड़ा ही लेना है यहाँ पर। और अब देखिए हमारे ये नीचे के सारे जो प्लेट्स हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। अब इससे जब ये खुलेगी ना साड़ी पूरा घूम बहुत सारे आएंगे, बहुत ही प्यारी बंधेगी। अब ये कुछ कहीं नहीं जाना है, अब डोरी लगाई हुई है हमने पहले से ही माता रानी की कमर पर। अब पहले साइड से हमने जो कपड़ा छोड़ा था उसको अंदर कर दिया और अब यहां से प्लेट्स वाला पोर्शन है इसको अंदर कर देंगे और फिर यहां से भी अंदर कर देंगे साइड साइड से। तो पहले ध्यान रखना है हमें अंदर की साड़ी अच्छे से सेट करनी है, ठीक है, साइड साइड से। जब तक साइड से दोनों साइड से अच्छे से अंदर नहीं जाएगा तब तक आप इसे सेट नहीं कीजिएगा। अभी केवल अंदर हमें अच्छे से करना है क्योंकि कई बार अंदर अच्छे से नहीं होता और जब आप पूरा सेट करने लगते हैं तो निकल जाती है साड़ी। निकलने का मतलब यह है पिन तो नहीं खुलेगा मगर आपको फिर बार बार परेशानी होगी। तो पहले साइड से अच्छे से अंदर कीजिए दोनों साइड से और उसके बाद बीच वाला पोर्शन, फिर वो सेट अपने आप हो जाएगा। ये देखिए अब क्योंकि अंदर जा चुके हैं सब तरफ से तब हम इसको सेट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, पहले आप साइड साइड से इनको अंदर करें और फिर बीच का पोर्शन अच्छे से अंदर करें, उसके बाद घुमाना है। एडजस्ट बाद में करते हैं, पहले अच्छे से इनको कपड़े को अंदर कर लीजिए डोरी के अंदर। ये देखिए कैसी लग रही है हमारी माता रानी, बहुत ही प्यारे प्लेट्स आए हैं। अभी जब पूरी तैयार हो जाएगी तब आप कहेंगे कितना हैवी लुक आया है। ये सिर्फ साड़ी सिंपल है और बिल्कुल सिंपल, जब हम इसका पल्ला बनाएंगे तब आपको समझ आएगा और जब पूरा उनको हम श्रृंगार कर देंगे तब तो आप कहेंगे बहुत ही प्यारी लग रही है। तो यहाँ क्योंकि ब्लू डे था तो ब्लू डे पे हमने माता रानी को ब्लू कलर की साड़ी पहनाई है। अब ये देखिए पल्ला जो हमने बनाया था ना ये बस पीछे से ले लेंगे, ऐसी इस तरह से हमें ले लेना है और हमें ज़्यादा लगेगा तो हम पीछे ले लेंगे। ये देखिए लेकिन थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा तो मैं और थोड़ा सा पीछे ले लूँगी इसको और जहाँ हम माता रानी का एक कंधा है वहाँ पर हम ब्लाउज के साथ ये सारे प्लेट सेट कर देंगे। तो ऊपर की साइड से यहाँ पर मैं एक पिन लगा दूंगी, सभी को अच्छे से पकड़ना है और ब्लाउज के साथ ये एक पिन लगा देंगे और बाकी मैंने जो थोड़ा सा पल्ला है पीछे छोड़ा है फ्रेंड्स ढीला पल्ला, आप ज्यादा लीजिए कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो पीछे जा चुका छोड़ दीजिए उसको, अब ये आगे वाली पिन जो हमने लगाई थी ना इसको निकाल दिया और इसका जो पहला कोना है उसको लेंगे और उसको हम माता रानी के एक और जैसे उस साइड लगाता है पिन ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड ऊपर की साइड कोने पे लगा देंगे। इस तरह से यहां पर पिन लगा देंगे तो बाद में हम सेट भी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे बंगाली स्टाइल है, बहुत ही प्यारा स्टाइल आया है। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं श्रृंगार भी करके दिखाऊंगी हमारी माता रानी को श्रृंगार कैसे करेंगे। यहां पर मैं माता रानी को गले का सेट पहना रही हूं और वो भी हर बार हम चेंज कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि साड़ी के मैचिंग हो। ये देखिए और ये मोती का है, ये भी
पूरा श्रृंगार मैं आपके सामने दिखाऊंगी। आप भी कहेंगे कि जब पूरा श्रृंगार हो गया उसके बाद तो बहुत ही सुंदर लग रही है और भी प्रतिमा माता की। अब यहां पर मैं एक पिन लगाऊंगी फ्रेंड्स। पिन लगाने से क्या है ना, ये अच्छे से सेट हो जाएगी और ये हमें तभी लगाना चाहिए जब आपको अगर माता रानी कोई भी ज्वेलरी पहनानी है उसके बाद यहाँ पिन लगता है, वरना उठा उठा सा लगेगा, वो थोड़ा सा परेशानी भी होती है उससे। और ये देखिए अब पूरा अच्छे सेट हो गया। अब यहाँ कानों में पहना रहे हैं माता रानी को, और देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर है, कितना प्यारा उनका जो है रूप है, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए ऑलरेडी इतनी सुंदर है और सोचिए जब पूरी रेडी होंगी इस तरह की चीजें पहनेंगी तो वो उनमें और कितना उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैं वेणी पहना रही हूँ माता रानी को, और फिर फूल माला पहना देंगे। वेणी के साथ साथ मैंने मांग टीका भी लगाया हुआ है इसी में। अब हम माला पहना देंगे फूल माला, और फिर पहना रहे हैं हम चुनरी माता रानी को, चूड़ी पहनाएंगे। चूड़ी मैंने यहाँ मैचिंग थोड़ा सा सिल्वर कलर में लिए, और हम चुनरी पहना रहे हैं माता रानी को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये काम अकेले के बस की हमारे नहीं है, मेरी दो तीन फ्रेंड्स साथ में लगी हैं, तो हम माता रानी की जो सेवा में लगे हैं। तो मैं तो कहूंगी अगर ये सेवा आपको भी कभी मिले तो जरूर कीजिएगा। मुझे भी नहीं आती थी लेकिन करवाइए माता रानी, तो हम कर रहे हैं। अब यहाँ हम थोड़ा उनको टीका लगा रहे हैं काजल, ठीक है, ताकि उनको नजर ना लगे। इसके पीछे फ्रेंड्स एक स्टोरी है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि काजल लगाने के पीछे है। एक दिन मैंने नहीं लगाया काजल, उसी दिन माता रानी को नजर लग गई। नजर किसकी लगी, किसी कोई और तो वहां था नहीं, हम ही लोग थे, तो हम ही लोग काम कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे माता रानी को देख देख कर। माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, और पता नहीं क्या हुआ करते करते नाक के पास हम नोज पिन पहना रहे थे उनको, और वो नोज पिन पहनाते पहनाते उसमें डैमेज आ गया, मतलब क्रैक हो गई वो हल्का सा। वो हम परेशान घबरा गए अभी क्या करें, लेकिन मैंने क्योंकि इससे पहले साईं बाबा की मेरे पास एक प्रतिमा है जो खंडित हो रही थी पीछे की साइड से, तो मैंने उनको पूरा रिपेयर किया था। मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप भी आपके साईं बाबा या कोई भी प्रतिमा डैमेज होती है ना, रिपेयर करनी है आपको, तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने उनको जैसे ठीक किया था ना, ऐसी इनकी इनकी नोज पिन के पास आप देखिए, अगर आपको जरा भी डैमेज मिल जाए तो शायद माता रानी ये भी कराना चाहती होगी, परीक्षा ही ले रही होंगी। लेकिन लास्टली हमने माता रानी के नाक के पास जो डैमेज हुआ था, जो क्रैक आया था, उसको भी हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। कोई देख के ये नहीं कह सकता, आप देखिएगा कहीं से आपको कोई डैमेज दिख रहा है तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमने ठीक कर दिया और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन उसके बाद से मैं डेली माता रानी को काजल लगाती हूँ, तो जरूर माता रानी को जो है काजल जरूर लगाएं, और इससे माता रानी को जो है नजर नहीं लगेगी, क्योंकि नजर हमेशा अपनों की लगती है, जो बहुत प्यार करते हैं उनकी लगती है। ये सच है फ्रेंड्स, ये झूठ नहीं है, कोई बाहर वाला क्यों नजर लगाएगा, कुछ नहीं लगता, सब अपनी, लेकिन वो भी एक प्यार होता है हमारा, नजर वैसे नहीं लगती, वो प्रेम से भी लगती है। तो फ्रेंड्स माता रानी ने हमें सब फ्रेंड्स को इतना अच्छा मौका दिया, मैं चाहती हूँ अगर आपको भी ऐसा एक मौका मिले माता रानी को साड़ी पहनाने का या तैयार करने का श्रृंगार का, कोई भी छोटे से छोटा, तो उसे आप जरूर मतलब उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसमें जरूर थोड़ा सा एक योगदान दें अपना, क्योंकि एक छोटी सी सेवा आपके लिए आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी होगी। ये देखिए हमारी माता रानी पूरी रेडी हो चुकी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ मैं और भी माता रानी की ड्रेसेस बनाती रहती हूँ, उनको भी जरूर देखिएगा। चलिए चैनल पर बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम साई राम।